यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अनदर माइकल द एलुमिनाटी के लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। दोस्तों मैं यहां पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब लोग यहां पर बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, जो जो हमारी एलुमिनाटी गैंग में बेसिकली ज्वाइन नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए देकर आप हमारी गैंग में ज्वाइन हो सकते हैं। आप फटाफट ज्वाइन वाला बटन जो आ रहा है ना सब्सक्राइब के बगल में कहीं पर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं आपका कॉमेंट को स्क्रीन पर दिखाऊं यानी कि वीडियो में, और शाउट आउट दूं आपके नाम को, आपका कमेंट पढ़ो, तो फटाफट वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दो जल्दी से, फेवरेट पार्ट जो भी करना चाहते हो, और बड़े कमेंट्स करना ताकि मैं पढ़ सकूं तुम्हारे कमेंट्स, ठीक है। चलिए पिछला एपिसोड की अभी यहां पर बात कर लेते हैं। कुछ आप सभी लोगों ने भी मुझे यहां पर सजेशंस वगैरह दिए थे, इवन हमारे प्यारे सक्षम भाई ने जो कि कहा था वो जो माफिया होटल है ना दोस्तों, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। अब जो डग्गन बॉस है, मुझे ऐसा लगता है मैंने ना कल उसके बहुत जोर से यहाँ पर मार दिया था, तो दोस्तों उसको ना अभी होश वगैरह नहीं आया है, ठीक है। तो लगता है भाई डग्गन बॉस का ना गेम खत्म होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट डग्गन बॉस के पास दोस्तों यहाँ पर कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक है ना, तो उसका भी दोस्तों यहाँ पर इलाज करना है, और वो जो होटल है ना भाई, वो भी यहाँ पर जो अपने कब्जे में लेना है, ठीक है। एंड फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ पैलिटो बे के अंदर, और ये है दोस्तों अपना दोस्त जॉन। एंड यहाँ पर कुछ हम सेकंड हैंड कार्स दोस्तों सेल आउट करते हैं इस जगह पर, जो कि लॉस सैंटोस से हम इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर पैलिटो बे में, और सैंडी शॉर्ट्स के लोग बाग भी यहाँ से आकर दोस्तों पुरानी गाड़ियाँ खरीदते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे शोरूम पर फिलहाल अभी कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। एंड जॉन तो दोस्तों यहाँ पर परमानेंटली बेसिकली लॉस सैंटोस में रहता है, वो तो जस्ट दोस्तों देखने के लिए आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता है व्हाइट गैंग से हमारी दोस्ती हो चुकी है, तो व्हाइट गैंग अब यहाँ पर किसी को भी दोस्तों परेशान वगैरह नहीं करती है। आपको याद होगा मैंने दोस्तों यहाँ पर व्हाइट गैंग को कितनी सारी कार्स गिफ्ट की थी, तो भाई अब वो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर ना बेसिकली ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, थोड़े बस बेचारे गरीब टाइप के रहते हैं। खैर ये वाली जो गाड़ी है ना, इसको मत देखना, ये गाड़ी मेरी पर्सनल है, ठीक है, मैं जैसे चला के ड्राइव करके लाई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ लाइक, जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये BMW है, बेसिकली यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा BMW की डिमांड है, तो हमने BMW का जो अभी सेकेंड हैंड गाड़ियों में हर मॉडल है वो हमारे पास है। ये देखो क्या सही लग रही है ना गाड़ी, मस्त लग रही है, नाइस। तो हमारे पास छोटे मॉडल्स दोस्तों थोड़े अवेलेबल हैं, ठीक है, और रोल्स रॉयस की भी डिमांड खैर रहती है, वो भी है। एंड एक BMW का मॉडल ये वाला है दोस्तों, ये देखो क्या नाइस है। सबसे ज़्यादा BMW सेल आउट होती है यहाँ पर, इसलिए हमने सोचा भाई BMW रखेंगे सबसे ज़्यादा। एंड यहाँ पर BMW की थोड़ी एक स्पोर्ट्स टाइप की कार है, क्योंकि यहाँ पर आजकल भाई लड़के थोड़ी स्पोर्ट्स कार की भी डिमांड करते हैं। BMW को यहाँ के लोग ना काफ़ी रिलायबल ब्रांड मानते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा BMW की डिमांड रहती है, BMW चाहिए। तो एक एनिमेटेड गाड़ी है BMW की तरफ से, तो लड़कों के यूथ के अंदर ना भाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उनको ये गाड़ी, इसीलिए इसको ना यहाँ पर इसके ऊपर खड़ा किया है, ताकि भाई एकदम डिस्प्ले में ना यूनिक सी लगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल कार भी है, मैं आपको दिखाऊंगी, बट इसको नॉर्मल समझने की भूल मत करना, ये जो गाड़ियाँ ना रेस में यूज़ की जाती हैं, ये वाली जो कार्स हैं जॉन का, क्या ना जॉन ने इसको खुद मॉडिफाइड, यहाँ पर ये देखो इसके अंदर टर्बो जो लगी हुई, ओ जॉन के पैर ना जल जाएं भाई। ये देखो एंड गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त है दोस्तों। चलो अब इसको जो है खड़ी कर देता हूँ यार, बस ज़्यादा वो नहीं करते, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक मजराटी है दोस्तों, यहाँ पर ये खड़ी है, ये हमारे पास बेसिकली एक ही मॉडल था, तो हमने सोचा यहीं पर खड़ा कर देते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों में फिलहाल जितनी भी कार्स आई हुई हैं दोस्तों, सारी की सारी हम यहीं पर सेल आउट करने वाले हैं, तो नाइस का बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी पसंद आने वाली है। प्लस दोस्तों यहाँ पर दो रोल्स रॉयस आई हुई हैं सेम कलर की, एक ही बंदे के पास थी ये गाड़ियाँ। एंड इस गाड़ी की कुछ स्पेशल फीचर्स चलो मैं दिखाता हूँ, इसको रेसिंग रोल्स रॉयस टाइप बना रखा है, इसके व्हील्स चेक करिए आप सभी, ठीक है ना। एंड ये इसकी हेडलाइट हो गई, ठीक है, बट इन गाड़ियों के ना हमने अभी तक यहाँ पर ना नंबर प्लेट नहीं लगा रखी इन गाड़ियों पे, ना ही आगे लगी हुई ना ही पीछे लगी हुई, ठीक है। तो थोड़ी मतलब स्पेशल टाइप की हम गाड़ियां बनाकर दोस्तों यहां पर जो सेल आउट भी करेंगे, ठीक है, तो बहुत सही वो होने वाला है। एंड यहां पर एक पोर्शे खड़ी है,
पोर्शे, ये 204 सीटर वाली है, ठीक है, देखो यहाँ पर ना दोस्तों सारी की सारी नॉर्मल कार्स ही हैं, कोई एनिमेटेड गाड़ियाँ नहीं है, एक दो हैं, और एक ये बेंटली है जो कि कन्वर्टेबल वाली, आपको याद होगा मैंने भी इसको चलाया है, ठीक है। तो ये हमारे कस्टमर थे, उनको सेल आउट की थी, फिर कुछ हो गया था, फिर उन्होंने हमें ही वापस कर दी थी, तो सेकेंड हैंड कैटेगरी में आ गई, इसीलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर खड़ा कर दिया है। एंड यहाँ पर BMW की ये गाड़ियाँ देखिए भाई, BMW की बहुत लग्जरी कार्स भी यहाँ पर हैं, ये देखो 335i, क्या मस्त कार है यार दोस्तों, देखना बंदे ने बस यार इसको बहुत कम चलाया होता है इन गाड़ियों को, और हमारे शोरूम पर आ जाती हैं। तो जिसको भी सेकेंड हैंड गाड़ियां लेनी है तो फटाफट इस वाले शोरूम पर आ जाए। एंड यहां पर ये वाली BMW देखिए दोस्तों, ये लग्जरी लाइफ में आ गई, हाँ ये लग्जरी में है, बहुत ज़्यादा लग्जरी में। इसके पीछे यहाँ पर आप स्क्रीन्स वगैरह देख पा रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छा इन्फोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, काफ़ी लंबी सेडान है, एक लग्जरी सेडान टाइप कार है दोस्तों। तो हमारे पास ये भी है दोस्तों, ठीक है। इस शोरूम की बेसिकली सबसे महंगी गाड़ी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये है दोस्तों, एंड ये सेकेंड हैंड में ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये 001 AMR, और मैं आपको बता दूँ यह एक बेसिकली इलेक्ट्रिक कार नहीं है, नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हाँ इलेक्ट्रिक कार है, मुझे भी पता चला, मुझे पता नहीं था इलेक्ट्रिक कार भी है। चलो भाई एस्टन मार्टिन ने बनाई है खैर इसको, बट ये भी सेकेंड उसमें ही है दोस्तों, बट ये ना मैं आपको बता दूँ ओरिजिनल कार नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक रेप्लिका है, तभी तो यहाँ पर सेल आउट हो रही है। जिस किसी दूसरी एस्टन मार्टिन की कार के ऊपर ना इस वाली गाड़ी की बॉडी बना रखी है, ठीक है ना, और ये हमारे जॉन भैया ने बनाई थी, फिर बंदे ने खरीद ली थी, फिर दोस्तों दोबारा बिकने के लिए आ गए, तो अब यहाँ पर ये खड़ी है। बस देखने में ही अच्छी है, जब आप इसको रियल में चलाओगे तब आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। एंड फिलहाल दोस्तों मैं तो यहाँ पर ये वाली गाड़ी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देख लो आप, ये मर्सिडीज़ की कार है एक, ये देखो भाई साहब, ये एकदम मतलब फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जो होती है ना दोस्तों वो है। इसका स्पीडोमीटर देखो ज़रा, वहाँ कहाँ है देख रहे हो, स्पीडोमीटर देखो दोस्तों कहाँ है इस कार का। तो भाई यही कुछ बातचीत होती है दोस्तों, देखो क्या बात है ना, लग रही है ना दोस्तों एकदम मस्त गाड़ी। तो चलिए गाइज, अब फाइनली यार हमने यहाँ का तो सब कुछ मामला बंद देख लिया, ठीक है। एंड जॉन जो है शाम तक आ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी दोस्तों जॉन को यहाँ पर कुछ काम वाम है, ठीक है, और मुझे निकलना है लॉस एंटोस के लिए, सबसे पहले मैं उसी लोकेशन पर यहाँ पर जाने वाला हूँ, ठीक है। चल भाई जॉन मैं निकलता हूँ, फिर जॉन और मैं दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साथ में ही आए थे। चलिए आराम से अब चलो, ये भी अच्छी बात है दोस्तों, वाइट गैंग वाले भी हमारे दोस्त बन गए, उन्होंने हमसे यहाँ पर हाथ मिला लिया, अब उन्होंने हमसे यहाँ पर हाथ मिला लिया तो भाई मौजा ही मौजा होने वाली है, मौजा ही मौजा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब जल्दी से हम चलते हैं माफिया होटल, ठीक है। एंड मुझे पता है माफिया होटल में ज़्यादा सिक्योरिटी या फिर बंदे बंदे नहीं होने वाले हैं, अगर हुए तो सीधा मैं उनको जो है मार वार ही दूंगा, और क्या ही करूँगा यार मैं अगर ज़्यादा बंदे हुए, ठीक है, और मुझे कब्जा करना है। फिलहाल डगन बॉस की ना मुझे इन्हीं लोकेशंस के बारे में जस्ट पता है, और जो डगन बॉस का घर है ना नॉर्मल वाला, वो दोस्तों मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को देने वाला हूँ आज गिफ्ट में, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई अपने दोस्तों का यहाँ पर भरोसा जीत कर रखो, तो मैं ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। बट ये गाड़ी लग्जरी है, बट इतनी ज़्यादा भागती नहीं है, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी भाग रही है, 156-160 तक ही भाग पा रही है यार ये, तो मुझे यहाँ आने के लिए ना थोड़ी फास्ट कार्स की ज़रूरत थी, अब बात हो गया था, मैं जाते हुए पता चल रहा है अब, बस ये ना दिखाने के लिए अच्छी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, और इन कार्स के अंदर और कुछ नहीं है, लिटरली इन गाड़ियों में और कुछ नहीं है दोस्तों, बस शो पीस के लिए अच्छी हैं गाड़ियाँ। चलिए अब जल्दी चलते हैं, और राइट गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तुम्हारा भाई पहुँच चुका है लॉस सैंटोस। अरे भाई साहब आजकल लॉस सैंटोस की सड़कों पे हमारा शोरूम आने से भाई मस्त मस्त गाड़ियाँ दिखने लगी हैं, देखो मर्सिडीज जा रही है, एंड ये देखो दोस्तों ऑडी खड़ी है, ऑडी है ना, हाँ ऑडी है भाई, तो हमारे शोरूम की देन है भाई हर चीज़ भाई। लॉस सैंटोस ने ना खैर पहले इतनी तरक्की नहीं की थी, बट अब लॉस सैंटोस ने दोस्तों बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, पहले से तो भाई काफ़ी आगे आ चुका है लॉस सैंटोस। अब चलिए चलते हैं, अरे यार मैं इस गाड़ी को नहीं चाहता, खैर इस कार को कुछ हो, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, नॉर्मल कार है दोस्तों, पर इस ये गाड़ी ना एकदम
गोलियां मोली लगने से ना ब्लास्ट हो जाएंगी। अभी वहां पर देखो तुम, कुछ नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं दोस्तों। मैं कैसे भूल सकता था कि डग्गन बॉस ने यहाँ पर भी सिक्योरिटी लगाई होगी। डग्गन बॉस ने पर ना यहाँ पर बिल्कुल बकवास सिक्योरिटी लगा रखी है। नॉर्मल जो सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं ना, $500 महीना पर लग जाते हैं, वो वाले हैं। पिस्टल ही है इनके हाथों में बस। चलो निकालता हूँ, AK-47 का जलवा दिखाता हूँ। आज बहुत टाइम हो गया AK-47 नहीं चलाई दोस्तों। हाँ मारो मारो मुझे मारो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो तुम्हें, तो मैं बताऊंगा तुम्हारा मोर बनाऊंगा भाई। ये तो मेरा मोर बना रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। थोड़ा ना कवर लेकर मारना पड़ेगा। निकल तेरी ऐसी की तैसी। ओ भाई, काफी खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मैं भाई बिल्कुल ही घटिया सोच रहा था। चलो पहले थोड़ा सा AK-47 चला ली जाए, तब देखेंगे क्या होता है। आ जाओ यो मुन्ना, तुम्हारे साथ मैं कर दूंगा ताता तुन्ना बड़े प्यार से, गन्ना चूस के। चल बेटे। अबे भाई देसी कट्टा कहाँ गया मेरा। निकल तेरी ऐसी की तैसी, निकल निकल। अबे निकल ना, निकल निकल तेरी ऐसी की तैसी। चल चल बेटे। ओ भाई, ब्लडी ब्लड। निकल मेरे बेटे, निकलो मेरे बेटे, चल मेरे बेटे, चल मेरे बेटे। बहुत देर हो गई, घर पे चलो, मम्मी बुला रही है। खाना खाओ जाकर, स्कूल नहीं गए तुम आज भाई साहब। अबे होमवर्क करके आए हो क्या अपना, तेरी ऐसी की तैसी होमवर्क करके आए। सर रोज क्लास से बाहर निकाल कर खड़ा करते हैं बंदों को, झेल नहीं पाएगा बेटे देसी कट्टे का वो है। अबे कहाँ है ये रहा। एक और भी तो है ना, कोई एक और भी है। अच्छा अबे यार इनको ना मुंबई जाकर मारना पड़ेगा दोस्तों। चल बेटे यो मुन्ना, हो गया तुम्हारे साथ ताता तुन्ना। अच्छा ये मुझे कह रहा है ड्रॉप द वेपन, अपना जो बंदूक है ना उसको बाहर छोड़ दो। अच्छा चल तेरे साथ ना पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। इसको ना इसको मैं हाथों से मारूंगा दोस्तों। मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों आज ना मन कर रहा है, हाथों में ना बहुत ज्यादा खुजली सी हो रही है। आ जा बेटे देख दो मैं। ओ भाई देख कहाँ चढ़ गया, वो देख कहाँ चढ़ गया भाई। डर गया बेटे, डरते क्यों हो फिर, जब तुमसे लड़न जाता डरते क्यों। आजा लड़ ले, हट तेरी। बस बस इतना ही दम था। ये जो गोलियों के निशान है अभी दोस्तों इल्यूमिनाटी लॉकेट की वजह से अभी थोड़ी देर में दोस्तों गायब हो जाएंगे, बट इन बंदों में ना सिर्फ इतना ही दम था। डग्गन बॉस क्या करेगा रे तू जिंदगी में अपनी। नहीं माइकल द इल्यूमिनाटी फेस पर नहीं लगाए, माइकल द इल्यूमिनाटी यहाँ पर सोच रहा है कि थोड़ा सा फेस पर भी लग गया ब्लड, पर दोस्तों फेस वगैरह पर कुछ भी नहीं लगा। एंड फाइनली चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनली। क्या लग्जरी होटल है, क्या लग्जरी होटल है। बट दोस्तों ऐसे ही होटल मेरे नाम पर नहीं होने वाला है ना। पहले यार मैं तो इस होटल में आज तक आया भी नहीं, बस एक बार ही आया था जब वो लड़की यहाँ पर मिलने आई थी डग्गन बॉस। और इधर क्या था। ऑलराइट तो यहाँ पर बैठने का कुछ है, यहाँ पर कोई सीक्रेट रूम भी बना रखा है क्या, मेरे को ढूंढना चाहिए एक बार। बट ना अगर सीक्रेट रूम होता ना दोस्तों तो अलग से ही दिख जाता है वो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड ये होटल वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा लग्जरी है। एंड यहाँ पर भी मेरे हिसाब से बैठने का एरिया है। ये इस होटल के ना दोस्तों लाइब्रेरी हो सकती है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है लाइब्रेरी ही है। और ये ठीक है। एंड यहाँ पर तो दोस्तों जो रूम्स की चाबियाँ वगैरह मिलती हैं वो वाला सेक्शन हो गया ठीक है, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई है नहीं। एंड फ्रंट में यहाँ पर डाइनिंग टेबल मान लो या फिर मीटिंग एरिया कुछ ही बोल सकते हो ठीक है, ये अंदर जाने का इलाका है उसी में वहाँ पर अंदर जा सकते हो। ऊपर जाकर क्या है,
ऊपर तो बेसिकली दोस्तों रूम्स ही होने वाले हैं ना इस पूरे के पूरे होटल में, रूम्स वगैरह ही होंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ दोस्तों पूरे के पूरे होटल में रूम्स वगैरह ही हैं और काफ़ी अच्छे रूम हैं। ऐसा वाला सेम बेड ना दोस्तों मेरे घर में भी यहाँ पर पड़ा हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। एंड ये वॉशरूम है, तो भाई काफ़ी अच्छा लग्जरी होटल है। बट यार होटल तो लग्जरी है, और ये शीशा टूटा हुआ क्यों लगा रखा है पे भाई, पता नहीं यार डगन बॉस क्या ही करेगा। मुझे दोस्तों इस होटल की ना थोड़ी सी मरम्मत वगैरह करानी पड़ेगी, एंड फिर ना दोस्तों ये होटल ना बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है चलेगा। सच बता रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं इस होटल से ना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा, बहुत अच्छा खासा पैसा। लाइक जैसे कि ये रूम्स हैं कुछ यहाँ के, तो गाइज मतलब काफ़ी लग्जरी हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। थोड़ा सा बस रेनोवेट करवाने की ज़रूरत है इस होटल को, एंड फिर से दोस्तों नए जैसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, होटल तो यहाँ पर जो था मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े थे, वो तो दोस्तों मैंने यहाँ पर खाली वगैरह करा लिया है, ठीक है। एंड अब दोस्तों मुझे ना इसको अपने नाम कराना है, ठीक है। तो अपने नाम कराने के लिए ना सबसे पहले ना मुझे पेपर्स वगैरह तैयार करने होंगे, ठीक है। एंड पेपर्स वगैरह तैयार करने के बाद ना फिर मुझे डगन बॉस का बेसिकली अंगूठा ही लगेगा, ठीक है। तब उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम ये वाली हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास ना एक बंदा है, चलिए उसके पास चलते हैं यार, जो कि यहीं पर पास में एक बैंक है वहाँ पर दोस्तों वो काम करता है। फिलहाल अभी मैं उसके पास जाने वाला हूँ, उससे पेपर्स रेडी कराता हूँ, और जाने के बाद जो डगन बॉस का भाई अंगूठा है ना वो लगाता हूँ। वो तो भाई तेरी ऐसी की तैसी क्या कहूँ, अब नॉर्मल बंदा है यार, जा रहा था अपने घर जा रहा होगा। हर किसी को ना ऐसे मारना भी नहीं चाहिए, वरना तो ऐसा होता है कि भाई अच्छी इमेज नहीं बनती यार दोस्तों, समझ लो ना। ये देखो डगन बॉस के कुत्ते पड़े हैं, चलिए चलो दोस्तों फटाफट चलता हूँ जल्दी से मैं उस बंदे के पास, कागज़ वगैरह रेडी करवाता हूँ, ठीक है। और फिर सीधा चलेंगे दोस्तों हम यहाँ पर अंगूठा छाप डगन बॉस का अंगूठा लगवाने के लिए। बाकी इल्यूमिनाटी शहर आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताओ भाई। अब तो बस तुम्हारा भाई ना यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। अब मुझे प्रेसिडेंट बनने से दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कोई रोक भी नहीं सकता, और किसी के पिछवाड़े में दम भी नहीं है जो कि दोस्तों तुम्हारे भाई को यहाँ पर रोक लेगा, समझ रहे हो भाई। तुम्हारे भाई का अरे भाई सिक्का चलता है, बट ये देख लो क्या हो गया, देख रहे हो। चलो कोई नहीं, गाड़ी को लेकर अब जल्दी से चलते हैं। अरे वो बात नहीं है, कोई बड़ा बड़ा हाथ नहीं मारा यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल गया ना, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना। तो गाइस यार यहाँ पर फाइनली मैंने पेपर्स वगैरह रेडी करा लिए हैं, एंड इसको पैसे भी दे दिए मैंने यहाँ पर दोस्तों, मैंने इसको $50 दिए हैं सिर्फ और सिर्फ। ये भाई ये कागज़ वगैरह थे उसको तैयार करने थे, और यहाँ पर क्या ही करना था। तो अगर मैं मानूँ मुझे वो जो पूरा का पूरा होटल है ना दोस्तों, माफिया होटल, पूरे के पूरे $50 में मिला है। सिर्फ ये $50 ना ये कागज वगैरह बनवाने के लिए ही दिए गए हैं इनको, बस और कुछ नहीं भाई। चलो सही है भाई, $50 में इतना बड़ा वो होटल मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों चलिए, ओके ब्रदर मिलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों निकलते हैं यार यहाँ से जल्दी से। फिलहाल अब यहाँ तो खैर अभी कोई है नहीं, चलो। एंड गाड़ी यार मेरी यहाँ पर खड़ी हो भाई, मस्टैंग वाले गाड़ी मत ठोक दियो मेरी। तो चलो यार दोस्तों बैठते हैं, इसको मैं रखता हूँ साइड में, चलिए आराम से भैया आराम से। खैर दोस्तों डगन बॉस को मैंने ना अभी डॉक्टर से बात की है, तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि जो डगन बॉस को है ना अभी थोड़ा थोड़ा सा जो है होश आ रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, थोड़ा होश में भी वो रहना चाहिए, अगर ज़्यादा ही मतलब होश में जोश खो दे तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, आराम से चलो। और जाकर दोस्तों फटाफट ना डगन बॉस के अंगूठे के निशान लेता हूँ, ठीक है। और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है आज, तो सब कुछ अपना ही होने वाला है भाई पूरे लॉस सैंटोस में, ठीक है। अब ये माफिया होटल भी भाई अपना ही हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर माफिया होटल के साथ साथ देखा जाए ना, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। चलो तो फाइनली पहुँच गए गाइज हम। ऑलराइट सो फाइनली वी आर हियर।
रुक जाओ जरा, मैं गाड़ी के अंदर से है ना, रुक जाओ। अरे भाई गाड़ी कैसी है ये? चलो इस गाड़ी के अंदर से सबसे पहले मैं अपने वो निकाल लेता हूँ, यहाँ पर जो पेपर्स वगैरह। ऑलराइट गाइस, सारा का सारा काम डन हो चुका है। खैर लॉस सैंटोस में ना यार, यही चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इंडिया के मुकाबले, ठीक है ना। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आया, मैंने आते ही ना पेपर्स के ऊपर इसका अंगूठा लगवाया, लगाने के बाद उसको एक PDF बनाकर मैंने उसको भेज दिया और उसने जैसे ही वो किया और वेबसाइट पर जो लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, वहां पर उसने अपलोड कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर दोस्तों अपने टैबलेट के अंदर चेक कर लिया, तो अब वो जो होटल है ना, माफिया होटल है दोस्तों, वो तुम्हारे भाई के नाम पर है, माइकल द इल्यूमिनाटी के नाम पर दोस्तों वो हो चुका है। एंड भाई डगन बॉस ना यहाँ पर बस मजे ले रहा है भाई, लेटा हुआ। अभी भाई देखो डगन बॉस के यहाँ पर थोड़ी सी गाइस तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, ठीक है, अभी लेटा हुआ है। अभी मेरा इसको मारने का भी दिल नहीं कर रहा है, इस बुढ़े को मैं कितना ही मारूंगा, ठीक है। और मेरे पास अभी ना यहाँ पर अंडर वाटर माफिया का कॉल आया है, ठीक है, तो वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। वो कह रहा है लग्जरी ऑटोज पे रहा तुझसे कुछ काम है यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है चल भाई आ रहा हूँ मैं। ओके बेटा डगन मजे लो, ठीक है चलो। ये टैबलेट यार मैं ना यहीं पर रख देता हूँ, ये देख रहे हो भाई अपना इल्यूमिनाटी बेस, समझ गए। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर हमारी जो इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट थे ना दोस्तों, वो यहाँ से जा चुके हैं। अब वो यहाँ पर नहीं रहते, वो रहते हैं हमारे आइलैंड के ऊपर, ठीक है। तो आज आइसलैंड पर भी जाना है, इल्यूमिनाटी 6.0 आने वाली है आज, समझ गए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ से, और डॉक्टर इसका जो है अच्छे से दोस्तों यहाँ पर ध्यान वगैरह रख रहे हैं, पिज्जा पाजा दोस्तों खाता रहता है, ठीक है। तो भाई सक्षम भाई देख लो भाई, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई दोस्तों, तुम्हारे भाई की भी इच्छा यही थी यार, फटाफट। अरे यार आराम से, एक तो यहाँ से निकलना थोड़ा महाभारत हो जाता है, तो तुम्हारे भाई की भी इच्छा दोस्तों यही थी कि मुझे फटाफट जल्दी से दोस्तों इसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। और धीरे धीरे भाई मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करता भी जा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं ना इससे, मैं आपको बताऊँ, 3-4 लोकेशन तो ले चुका हूँ यार, और मुझे इसका वो मेंशन भी चाहिए बट, और उसके पेपर्स तैयार कराने हैं, और भी थोड़ा सा सामान वगैरह है दोस्तों जो कि मुझे इससे चाहिए। और पैसा तो दोस्तों इसके बदले बहुत सारा है, अभी छुपा कर रखता है भाई, देता नहीं है, समझ रहे हो। ले लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा पैसा लेंगे दोस्तों इससे, जितना भी पैसा है इसके पास। फिलहाल हम इसको लेकर चलते हैं यार। गाइस आप सभी लोग भी ये देखो कि मैं किस टाइप की गाड़ी और कहाँ कहाँ मैं इसको चलाता फिरता हूँ भाई साहब, पूरे लॉस सैंटोस में मैं इसे दौड़ाता हूँ, और भाई गाड़ी में इतनी सी भी कमी नहीं आती है, ठीक है। चलो अब जल्दी से मैं चलता हूँ दोस्तों लग्जरी ऑटोस पे, देखते हैं भाई अंडर वाटर माफिया को मुझसे यहाँ पर क्या काम है। ऑलराइट गाइस, फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, एंड मैं लग्जरी ऑटोस के बाहर ही अपनी कार को जो है लगाऊंगा। अरे यार गाइस, शिट 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 यार, ये गाड़ी ना थोड़ी सी अभी असल में बीटा टेस्टिंग के लिए मर्सिडीज ने बनाई है ना, तो थोड़ी सी ग्लिच है दोस्तों उस कार के अंदर, लाइक जैसे कि ये गाड़ी ना प्रॉपर वे में स्टेयरिंग नहीं कट करती है। एंड ये बेचारे किसी की दोस्तों दुकान होगी जो कि मुझसे टूट गई है, बट कोई नहीं यार, मैं ना उस बंदे की अभी यहाँ पर मदद करूँगा, अभी शायद से वो कहीं पर गया होगा, एक बार वो यहाँ पर आ जाए फिर मैं उससे ज़रा बात करूँगा। यार ये मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, मैंने जान पूछ के कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फाइनल दोस्तों हम आ चुके लग्जरी ऑटोज, एंड लग्जरी ऑटोज पे ना मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, बस उसी दिन आया था। एंड ये कार्स देखिए दोस्तों हमारे लग्जरी ऑटोज पे किस टाइप की यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी, एसटीओ, मर्सिडीज, डॉज चैलेंजर और BMW। लग्जरी ऑटोज की भाई बात ही कुछ और है, ठीक है ना। तो फटाफट आइए दोस्तों अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए, और हमारे पास इजी आसान किस्तों पर भी ना दोस्तों हम यहाँ पर स्पोर्ट्स कार्स, लग्जरी कार्स दोस्तों प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों ये यहाँ से हटने वाली हैं स्पोर्ट्स कार्स जो भी हैं, जितनी भी हैं, ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी लग्जरी कार्स आएंगी लग्जरी ऑटोज पे ना, समझ रहे हो। चलो 4-5 लग्जरी कार्स आने वाली हैं। अंडर वाटर माफिया अपने यहीं पर है भाई साहब। बेटा अंडर वाटर माफिया, तुमको एक बात कहें, ये जो तुम पूरे दिन ना बस सुट्टा मारते रहते हो ना बेटा, ये बहुत गंदी आदत है दोस्तों। भाई अंडर वाटर माफिया ना अपनी खैर बॉडी का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखता है, बट मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अंडर वाटर माफिया ना दोस्तों पूरे दिन बस यहाँ पर वीड मारता रहता है भाई, सिगरेट पीता रहता है, तो तब भी इसकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है भाई, इसका राज बता मेरे को, तू खाता क्या है यार, तू खाता क्या है भाई साहब। इसकी बॉडी के एब्स देख रहे हो आप, और बैक देखो, तभी तो भाई ये बंदा ना कभी कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि इसके पास में इतनी शानदार बॉडी है। अब आप सभी लोग बोलोगे कि आरिश भाई तुम भी माइकल द इल्यूमिनाटी की बॉडी बना लो, यार मैं नहीं बना सकता क्योंकि माइकल द इल्यूमिनाटी की ना अब उम्र हो चुकी है, ठीक है। और जो डॉन होता है ना वो कोई बॉडी बॉडी में रहता है, वो खतरनाक ऐसे ही रखता है, ठीक है, हिस्ट्री उठाकर देख लो। चलिए दोस्तों हम इससे पूछते हैं इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है क्या नहीं। अरे मेरे भाई बस कर बस कर, चल इतनी भी मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। खैर
यार जब मैं इलेक्शन में अगर यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो वोट अपने भाई माइकल द इल्यूमिनाटी को देना, ठीक है यार। तुम सब लोगों की सेवा करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस यार ये बेचारा ना यहाँ पर सुबह से शाम तक हॉट डॉग बेच कर ही यहाँ पर जो है गुजारा वगैरह करता था। मैंने इसको यहाँ पर $1 million दे दिए हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो गया दोस्तों। ये ना यहाँ पर होम डिलीवरी भी करता है। ये सामने जो एप्पल स्टोर है ना, और जो वो लड़की का स्टोर है वहाँ पर ये ना हॉट डॉग देने गया था। फिर ये आकर बेचारा दोस्तों यहाँ पर रोने लग गया, पता नहीं किसने ये कर दिया, ठीक है। तो मतलब इस वजह से ही मैंने सोचा चल कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हमने तेरी यहाँ पर मदद कर दी, ठीक है दोस्तों। अब सही हो गया यार, बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। एंड हमें यहाँ से गाड़ी लेकर जाने वालों, आपको पूरी एक बात बताऊँगा अभी सीन क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रुक जाओ, लग्जरी गाड़ी कौन सी लग रही है, डॉज चैलेंजर नहीं, नहीं नहीं STO लेकर नहीं जाना चाहता मैं, इसमें चलें, चलो इसी में चलते हैं आज। ये थोड़ी अलग भी है गाड़ी, नाइस। देख रहे हो दोस्तों, ये देखो भाई साहब क्या एनिमेशन। बट यार ने लॉस सैंटोस में कहीं ये ना हो जाए कि लड़कियों वाली गाड़ी में भाई ये लोग घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी पंगा पड़ सकता है, इसीलिए यार मैं इसमें नहीं जाना चाहता, छोड़ो। एक काम करते हैं STO में चलते हैं ना। चलिए अब ये थोड़ा पर्सनल यूज़ के लिए काम आने वाली है, खुल जा सिम। वैसे भी दोस्तों ये कार्स यहाँ से हटेंगी, दूसरी गाड़ियाँ आने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चल बेटा अंडर वाटर माफिया जल्दी से बैठ, अभी दोस्तों आपको पूरी बात बताऊंगा अभी अंडर वाटर माफिया ने मुझसे यहाँ पर क्या बात करी क्या नहीं। फिलहाल तो अभी चलते हैं सबसे पहले। भाई जल्दी आ जा यार, तेरे पैरों में मेहंदी लग गई है क्या। चलिए दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ, बात क्या है देखो यार, अभी ना अंडर वाटर माफिया ना इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था, तो ना अचानक से इसके सामने ना एक लड़की की रील आई जिसने इंटरव्यू ले रखा था डगन बॉस का, ठीक है भाई। देखो हम डगन बॉस को फॉलो वगैरह तो करते नहीं है उसके इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी, और उसने अपना कोई ऐसा पेज बना भी नहीं रखा है। तो लड़की ने एक पोस्ट डाली हुई थी, डगन बॉस का ना एक वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा हाथ है, लाइक जैसे कि जब से बालास से मिल गया था ना भाई डगन बॉस, तब से बालास को खुश करने के लिए ना, आपको याद होगा मैंने एक बालास रिकॉर्ड करके एक जगह थी दोस्तों जहाँ पर मेरा ग्रूव स्ट्रीट कस्टम्स है ना, वहाँ पर एक जगह थी दोस्तों, तो वहाँ पर ना बालास का मतलब क्या कहते हैं एक स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और वो मैंने दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रैंकलिन के साथ मिलके। तो तब से ना उसने इन लोगों को ना एक लग्जरी रिकॉर्ड स्टूडियो जो है गिफ्ट दिया था, ठीक है। और उसके बारे में भाई हमें यहाँ पर कुछ खबर, खैर खबर ही नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे को अभी दोस्तों बात पता चली है, अंडर वाटर माफिया ने बताई, और इसको भी दोस्तों अभी रिसेंटली ये बात का पता चला है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो किधर है यार, यहीं पर तो बता रहे। अच्छा 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 ये है क्या, रॉकफोर्ड, अच्छा रॉकफोर्ड रिकॉर्ड्स। भाई बहुत लग्जरी बिल्डिंग है यार, ये डगन बॉस की है भाई, डगन बॉस ने कभी इतनी भाई लग्जरी बिल्डिंग खोल ली, नाइस। चले गाइस एक बारी अंदर चलकर देखते हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ का, क्या नहीं। वैसे मेरे को डगन बॉस की शक्ल को देखकर तो लगता नहीं भाई उसकी होने वाली है, बट अभी शक दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से ना दोस्तों आज यहाँ पर कोई है नहीं, दरवाज़ा बंद होने वाला है, इधर आना। तो टेंशन क्यों ले रहा है मेरे होते हुए, अभी लॉक तोड़ दूंगा। ले पकड़, टूट गया ना। अंदर से आवाजें तो आ रही हैं। यह है दोस्तों रॉकफोर्ड रिकॉर्ड्स, ऑल राइट। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा भाई बैठने का है, तो भाई डगन बॉस ने काफ़ी तगड़ा खर्चा किया था इसके ऊपर, तो बाहर से ज़रा नज़र रखना, ठीक है। मैं आया, ऑल राइट, रॉकफोर्ड रिकॉर्ड्स, ये क्या है, ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, इस जस्ट एक लॉज है बैठने के लिए, नाइस। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई है नहीं, मेरे ख्याल से आज ही बंद होगा।
और मैं तो भाई यहाँ पर ऐसे ही घुस गया। भाई काफी बड़ी जगह लग रही है यार मेरे को, ये काफी बड़ी जगह लग रही है भाई मेरे को ये। ऑलराइट, ये लॉबी होने वाली है मेरे ख्याल से। अच्छा तो चलिए यहीं से जो है अंदर जाते हैं। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ से ऊपर गया, सबसे पहले ऊपर जाकर देखते हैं दोस्तों ऊपर क्या है, ठीक है ना। अभी तक मैं ऊपर गया नहीं। ओ माय गॉड, क्या खतरनाक ऑफिस बना रखा है दोस्तों। इतनी सारी जो एल्बम्स निकाली हैं, मुझे अब पता चल रहा भाई डगन बॉस बनवाता था। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी बहुत सारी एल्बम्स हैं गाइस। सामने क्या वो है और इधर क्या है? अच्छा पॉडकास्ट के लिए है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली बैठते हैं। रेडियो वगैरह जो लॉस सैंटोस में चलता है ना दोस्तों, वो यहीं से चलाया जाता है। ओह माय गॉड यार, मेरे को अब पता चल रहा है कि मतलब डगन बॉस कितना सारा पैसा खर्चा किया है भाई डगन बॉस ने। सही है यार, सही है। एंड उधर क्या है? ये मेरे ख्याल से मीटिंग एरिया हो सकता है या फिर कुछ ही नहीं, क्या ऑफिस वॉफिस का होगा। नाइस, ये बैठने के लिए एक सेपरेट। भाई डगन बॉस ने ना यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों बालाज, इनको भाई काफी ऊपर पहुंचा दिया, तभी तो भाई बालाज इतने ज्यादा मानते हैं दोस्तों यहाँ पर डगन बॉस को। बहुत बड़ा स्टूडियो खुलवा कर दिया है दोस्तों, ये स्टूडियो ए है। ऑल राइट, देख लो सब पर्पल है भाई। गाइस वेट अ सेकेंड, यहां से ना अभी थोड़ी देर पहले कोई निकला है, आप सभी लोग देख रहे हो भाई, अभी नहीं सिगरेट का धुआं निकल रहा है, तो पक्का यहां से कोई ना कोई तो था जो कि गया है अभी थोड़ी ही देर पहले यहां पर। मुझे लगता है दोस्तों कोई ना कोई थे और बालास की बंदे होंगे यार। एंड ये देखो यार आप सभी हैं, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या है। नाइस, यहाँ पर बेसिकली सॉन्ग वगैरह गाया जाता होगा। चलो सही है यार, भाई मेरे समझ से बाहर है ये चीज़ें जो भी हैं, बट अच्छा है, नाइस लोकेशन जो भी यहाँ पर इसने बनाई है, स्टूडियो बी। ऑलराइट, ये स्टूडियो बी है, तो दो तीन स्टूडियो बना रखे हैं भाई साहब यहाँ पर। मैं तो हल्के में ले रहा था यार, मैंने कहा भाई ये तो बंदा ऐसे ही है, बट भाई बहुत बड़े बड़े दो तीन स्टूडियो बना रखे हैं यहाँ पर। नाइस हो गया, मैं रॉकफोर्ड वही जो रिकॉर्ड है ना, मुझे लगा यहाँ पर बालाज ने इसके बाद कुछ किया ही नहीं होगा। इधर भी है मेरे ख्याल से जगह दोस्तों, यहाँ पर मीटिंग एरिया हो सकता है। हाँ ये मीटिंग इलाका ही है ये वाला। और ये क्या है? ग्रीन रूम, स्टाफ एंड VIP ओनली। ये ग्रीन रूम किस टाइप का है? अच्छा मेरे ख्याल से दोस्तों ग्रीन रूम लाइक जैसे कि स्नूकर वगैरह है, मतलब चिल करने के लिए जगह। नाइस है यार, नाइस गुड। और बस यहाँ से कुछ इस टाइप का ऑफिस जैसा कुछ है। यहाँ पर मैं चला गया, इस वाले में नहीं गया हूँ ना मैं, लाइव रूम। हाँ ये लगी है, उसी से कनेक्ट होता है दोस्तों, ये लाइव रूम है। बढ़िया है, बढ़िया भाई। तभी तो भाई बालाज यहाँ पर इसको इतना मानते हैं दोस्तों डगन बॉस को। डगन बॉस ने इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। हाँ डगन बॉस ने मेरी बैक बोन ना अच्छी कर ली है। एक ये पीछे ये रास्ता है कि एग्जिट है क्या मेरे ख्याल से पीछे से। ये बंद है, पीछे से एग्जिट है। यहाँ पर पक्का कोई ना कोई तो आया ही होगा पक्का मेरे हिसाब से। तो ये एग्जिट है दोस्तों, और ये वही है लॉज वाला एरिया। इधर क्या है? और राइट, यहाँ पर लगता बहन का सामान आता होगा भाई। ये लगता है खराब हो गया है क्या? कितना धीरे धीरे खुल रहा है, अब खुला, मुझे लगा खराब खुरूब हो गया। अच्छा मैंने अच्छी तरह इस जगह का मुआयना कर लिया है। और क्या क्या है?
अच्छा ये है दोस्तों सिक्योरिटी रूम। चलिए मुझे इसी यहीं पर तो आना था, फिलहाल अभी कोई है नहीं। एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग एरिया है दोस्तों। ऑलराइट, और क्या दिख रहा है? यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। जो चीज़ भी मेरे को ऐसी दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक वाली, मैं हर चीज़ को तोड़ने वाला हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना? ये कोई सीक्रेट रूम हुआ है क्या? ना ना ये बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं आया था तो रिकॉर्डिंग हो सकती थी मेरी, कि मैं अंदर घूमा हूँ हर जगह, तो इसलिए मैंने ये जगह को ना पहले ही रिकॉर्डिंग इसकी डिलीट कर दी। अब तो भाई वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ना। नाइस, तो मेरे हिसाब से वेट, यहाँ पर कुछ है। ऑलराइट, तो ये कोई मेन रूम वगैरह सा हो सकता है। तो भाई मतलब कि डगन बॉस ने ना यहाँ पर इनके लिए बहुत कुछ कर दिया था दोस्तों, और ये जगह तो भाई मेरे को किसी भी कीमत पे चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लोकेशन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, और सीधा ना दोस्तों लाइव इन्वेडर वालों के ना सामने है ये। तो भाई मेरे को ये जगह भी चाहिए, मेरे को ये जगह भी चाहिए, ये वाली जगह भी। तो अब एक काम करता हूँ यार, मैं एक तो ये वाली जगह हो गई दोस्तों, और मेरे पास ड्रगन बॉस की हथेली 3-4 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो पक्का भाई मेरे को ये भी चाहिए। तो अंडर वाटर माफिया उधर जा चुका है, आजा भाई जल्दी आ। गाइस मतलब मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि डगन बॉस की इतनी बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन होने वाली है, वो भी लॉस सैंटोस में। यार इतनी खतरनाक लोकेशंस, समझ रहे हो तुम, इतनी खतरनाक लोकेशंस। यार मेरा दिमाग घूम गया इस चीज़ को देखकर। मैंने सोचा भाई पता नहीं इतनी खतरनाक लोकेशन डगन बॉस ने बना कैसे ली यार। सोचने की बात है, सोच कर देखो तुम एक बार। बट यार भाई उसने बनाई है तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब ये सारी की सारी जगह है ना दोस्तों हमारी होने वाली है। और आप कमेंट करके बता क्या दोस्तों मुझे मतलब यहाँ पर जो इसकी लोकेशंस है, क्या मुझे दोस्तों ले लेनी चाहिए या फिर नहीं, आपके इस बारे में आ जाना कमेंट करके बताइए। चलिए भाई यहाँ पर ही पीछे वाले उस दरवाजे से जाएगा, क्योंकि मुझे ना भी एक जगह के लिए निकलना है। ओके अंडर वाटर माफिया, मिलते हैं शाम को। ओके बड़ी, चल मैं चलता हूँ फिलहाल। राइट गाइस, फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एंड मैं ये यहाँ पर किस लिए हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ना दोस्तों भी यार मुझे जाना है, और अपने आइलैंड पर मैं 2 दिनों से अपने आइलैंड पर भी नहीं गया। एंड फाइनली हमारी एलुमिनाटी जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अब यहाँ पर खुद रिसर्च करके दोस्तों एक नया सिक्योरिटी गार्ड बनाया है। ठीक है, और मैं उसको एलुमिनाटी 6.0 का नाम देने वाला हूँ, या फिर उसको कुछ और बोल लेंगे। अब जैसा भी आपको दोस्तों जो सही लगता है प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। ठीक है चलो चलते हैं, चलिए आराम से। इस गाड़ी के व्हील में कुछ हो रहा है, हाँ इस गाड़ी के व्हील में कुछ हो रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ है। छोड़ो चलो निकलता हूँ मैं जल्दी से, गाड़ी तो मैंने छोड़ दी है। मैं फिलहाल फाइटर जेट से निकलने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट ना काफ़ी जल्दी पहुँचा भी देते हैं और सही रहता है यार। चलो क्या बात है, देख रहे हो ये फाइटर जेट काफी हाई स्पीड से जाएगा। एंड मेरे हिसाब से तो ये जो फाइटर जेट है ना दोस्तों, ये पहुंचा देगा मेरे को 10 से 15 मिनट में अपने आइलैंड पर। और मेरे को ना अपना आइलैंड दोस्तों दिखने भी लग गया, देखो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। एंड ये वाला आइलैंड मेरा नहीं है, ये वाला यहाँ पर बिग माफिया का आइलैंड है, पर मैं इसके ऊपर जब चाहे तब कब्जा कर सकता हूँ, दिक्कत की बात कुछ नहीं है, दिक्कत की बात कुछ नहीं है, हम जब चाहें तब दोस्तों इस आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। चलो फिलहाल तो मैं अपने आइलैंड पर जा रहा हूँ। स्पीड देखो यार तुम,
अपने आइलैंड पर जाने की जेट से। यार इसकी ना और भी ज़्यादा खतरनाक स्पीड होनी चाहिए थी, सिर्फ 250 तक ही चल पा रहा है। लॉ क्या है मेरे हिसाब से? तो मैंने कर्नल साहब से मांगा था ये वाला जेट, तो उन्होंने दिया है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जितने भी जेट्स वगैरह थे ना, आधे ज़्यादा मतलब यहाँ पर उस दिन आपको पता होगा डगन बॉस को पकड़ने के चक्कर में ना भाई सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। लाइक जैसे कि मेरे पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे, फाइटर जेट्स थे और बड़े बड़े प्लेन्स भी थे वो भी। तो सक्षम भाई ने बोला है और कुछ लोगों ने भी कि मैं जो डायमंड्स मुझे दोस्तों कल मैंने लिए थे ना, बड़े वाले डायमंड्स, उनको बेच देता हूँ। उनको बेचने के बाद ना जितने मुझे लगते हैं प्लेन्स वगैरह परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड जो बचेंगे उनके साथ सिक्योरिटी बनवा दूंगा। बट सिक्योरिटी बनवाने तक के भाई मेरे पास ना इतने पैसे थे कि मैं सिक्योरिटी बना सकूँ और रिसर्च करें। तो भाई हमारी इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी ने ना सॉरी साइंटिस्ट ने फाइनली एक खतरनाक जो सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। फिलहाल अभी एक ही पीस बनाया है, तो देखते हैं दोस्तों कैसा है कैसा नहीं, पसंद आता है या नहीं आता, वो भी जाकर ही पता चलेगा। एंड फाइनली हम पहुँच भी गए अपने आइलैंड पर। लॉस सैंटोस देखो कितनी दूर हो गया है। तो भाई लॉस सैंटोस से तो बहुत दूर जाकर है हमारा आइलैंड, लिटरली बहुत दूर जाकर है। तो वैसे सही भी है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं है लॉस सैंटोस वालों की नज़रों में आए, ठीक है, और दूर है भाई, अपना दूरी सही है। चलो फाइनली यार यहाँ पर मैंने खोल लिया अपने व्हील्स एंड पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर। क्या बात है, एकदम मस्त लग रहा है ना दोस्तों। ओ भाई साहब ये देखिए आप सभी लोग, देख रहे हो कैसे कैसे जंप खाता हुआ चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, आधे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे मारे गए थे यार। वैसे मुझे आगे ही जाना है भी, तो यार मैं इतनी नीचे भी उड़ा सकता हूँ अपने प्लेन को। देखो तुम्हारा भाई कितना अमीर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करता है। वैसे यहाँ पर चलाने के लिए ना प्लेन ही सही है, हाँ बस आराम से हम उस तरफ जाना है। ये कच्चे रास्ते में नहीं उतरना चाहिए ना। फिलहाल चलो मैंने इसको शेड में खड़ा कर देता हूँ, ये सारे के सारे फाइटर जेट्स के लिए जगह हैं। अबे भाई इसके ब्रेक तो थोड़े से वो रखे, चल कोई नहीं। और प्लेन्स को ना हमेशा ऐसे ढकी हुई जगह पर ही रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड असल में है कैसा, जो कि हमारी इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट ने बेसिकली दोस्तों यहाँ पर डेवलप किया है, आविष्कार किया है, ठीक है ना। आपको आज वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर भी किसी को कोई स्पेशल क्रेडिट नहीं देने वाला हूँ, मुझे बस ये पता है कि पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट की दोस्तों पूरी की पूरी टीम, जो कि मुझे यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और हर बंदा मेरे को ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ बहुत अच्छे से काम किया है इस सिक्योरिटी गार्ड को यहां पर बनाने में। हम इसको इल्यूमिनेटी 6.0 दोस्तों बोलेंगे, ठीक है, और ये जो 5.0 है ना उसको भी बीट कर सकता है ये वाला सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का दोस्तों यहां पर कहना है। और सबके सब दोस्तों मुझे यहां पर अलग अलग इसके बारे में बातें बता रहे, बहुत सारे इन्होंने फीचर्स बताए, लाइक जैसे कि ये पानी के ऊपर भी दोस्तों दौड़ सकता है, ठीक है, बहुत सुपर सुपर जंप मार सकता है, और जैसे कि जल नहीं सकता दोस्तों, ये बर्न नहीं हो सकता है, और ये अनब्रेकेबल है। एंड दोस्तों जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स है ना उनके अंदर बेसिकली चार्ज होना पड़ता है उनको, बट ये धूप में खड़ा रहकर दोस्तों चार्ज हो सकता है। तो ये 24 आवर्स यहाँ पर काम करता रहेगा और इसकी कोई यहाँ पर चार्जिंग कॉस्ट भी नहीं आने वाली है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यार, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चलेगा। चलो देखते अब इसके अंदर दम भी कितना है, देखते हैं तुम लोगों ने यहाँ पर काम भी कैसा किया है। चलो रुक जाओ, पहले दोस्तों मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखा देता हूँ, आई मीन 6.0 है किसको बोलने वाले हैं कैसा सिक्योरिटी गार्ड है कैसा नहीं। तो ये खड़ा है, फिलहाल अब इसका एक ही पीस बना है, मैं आपको बता दूँ
एंड ही इज़ द सिक्योरिटी गार्ड। चलो ये देखो, कुछ इस टाइप का सिक्योरिटी गार्ड है। इसको ना काफ़ी डेविल टाइप लुक देने का यहाँ पर कोशिश किया गया है। रुक जाओ, मैं ना आपको थोड़ा जूम कर करके ना अच्छे से उससे दिखाता हूँ फ़ोन से, ठीक है? रुक जाओ, ये तो मेरे शेड्स में अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो ये है दोस्तों उसका फेस, ये चेक करिए आप सभी लोग। तो एलुमिनाटी 6.0 इज़ गुड नाउ। ये काफ़ी ना अग्रेसिव सा लुक है दोस्तों इसका, पूरा का पूरा ब्लेड टाइप का यहाँ से ऐसे सिला हुआ है तो एकदम डेंजरस लगता है, ठीक है ना भाई साहब। इसका हेड हो गया, इसके शेड्स हैं खतरनाक, ये इसके बुलेट प्रूफ हैंड्स हैं दोस्तों, और ये वेस्ट और कपड़े देखिए आप सब लोग इसके, काफ़ी ज़्यादा सही है। लाइटनिंग वाली पैंट और लाइटनिंग वाले वाइट ही शूज़ हैं, नाइस, एकदम नाइस भाई साहब। चलिए और पीछे से बात करें तो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा नाइस है, बहुत अच्छे से दोस्तों प्रॉपर वे में बनाया गया है इसको, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो लुक्स के मामले में तो भाई नो डाउट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सबसे पहले शॉटगन ही मार के देख लूँ क्या, शॉटगन काफ़ी सही रहती है ना। चलो तैयार, 3, 2, 1, नाइस। और मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये ना फेक ब्लड होता है, ये रियल ब्लड नहीं होता। कभी आप सब लोग सोचो आरिश भाई इसकी तो ये रोबोट है, इसके ब्लड क्यों निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे दुश्मन होते हैं ना उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए कि ये नॉर्मल बंदा है, ये कोई रोबोट वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसलिए फेक ब्लड की यहाँ पर ना एक वो लगाई जाती है, जैसे भी गोली लगती है ना उसकी पिचकारी बाहर निकलती है, समझ गए? ये फेक ब्लड होता है सिर्फ दूसरे इंसान को पागल बनाने के लिए। ये देखो भाई, ये हिला तक नहीं, ये सिक्योरिटी गार्ड हिला तक नहीं। चलो ये बहुत हो गया, भाई साहब मैं मारता रहूंगा। कितनी गोलियां लग रही हैं यार इसके, ये देखो भाई साहब बुलेट, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे मैं होली की कोई पिचकारी सी यहां पर वो कर रहा हूं। कितनी बुलेट्स देख रहे हो, बुलेट देखो यार, और इसके खपड़ों के खून के निशान ना भाई मेरी बॉडी पर आ चुके हैं, ये देखो मेरी बॉडी पर कितना ज़्यादा खून के निशान आ गए भाई, और रियल खून ही है, पेंट है एक तरीके से। और मैं ना आपको एक नमूना दिखाऊं, देखो यार, चलिए इसका एक स्पेशल फीचर ये बता रहे हैं, ये गाड़ी से भी नहीं ठोक सकते हम इसको, देखते ऐसा हो क्या। वाकई में है भाई है, भाई ये भी इसका एक स्पेशल फीचर है, जो सिक्योरिटी गार्ड आज तक दोस्तों बनाए गए हैं ना वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं, बट ये देखो ये किसी भी गाड़ी का सामना कर सकता है दोस्तों, भाई सब किसी भी गाड़ी का सामना कर सकता है सिक्योरिटी गार्ड। चलिए क्या ये इतने बड़े इसका मुकाबला कर पाएगा? अगर इसने इसका मुकाबला कर लिया भाई ये बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड होने वाला है मेरी नज़रों में तो। देखो ओ भाई, गाइस मैं इसको हिला भी नहीं पा रहा हूं, बहुत इसका मतलब इतनी पावर मैंने यहां पर लगा रखी है मैं इसको हिला भी नहीं पा रहा। और अगर मैं यहाँ पर इल्यूमिनाटी ये जो सिक्योरिटी गार्ड ये है इनको मारूँ ना, देखो दिखाऊँ हल्का सा नमूना, हल्का सा ही टच करूँगा
ये देखो कैसे गिर गए, देख रहा भाई हमारे साइंटिस्ट कैसे गिर गए। इसको मारूं? ये देखो कैसे गिर गया भाई, उसकी फाइल भी नीचे गिर गई, बट अगर मैं इसको मारूं ना, ये भाई मजे से खड़ा है। अबे भाई मैंने पूरी पावर लगा दी दोस्तों, इस टैंक की पूरी पावर। अबे कहीं से तो हिल जा भाई, ये हिल भी नहीं रहा। रुक जाओ, मेरे को लगता है ना फाइटर जेट से क्या पता हिल जाए। रुक जाओ, फाइटर जेट लेकर आए दोस्तों, अपना फाइटर जेट यहीं पर तो खड़ा है, क्या पता फाइटर जेट से दोस्तों हिल जाए। अगर भाई ना हिला ना तो कसम से मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड होने वाला है। अगर आप मानते होंगे ना, अगर आप मानते होंगे तो फटाफट लाइक का बटन ज़रूर से दबाओगे, जो जो मेरा भाई मानता होगा कि इससे खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड आपने आज तक नहीं देखा है। अगर चलो देखते हैं अगर ये प्लेन को भी सह जाता है। वैसे जहां तक मुझे लगता है नहीं सह पाएगा दोस्तों, बहुत पावरफुल है दोस्तों जेट, जेट बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ये गाड़ियों को हिलाऊं? देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भाई साहब एक आधे इल्यूमिनाटी, नहीं भाई इनको नहीं मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई थोड़ा बहुत तो फर्क क्या है, इसके सुई चुबा के देखू क्या है? भाई चुभी नहीं रही, देखू जरा। भाई एक काम करते हैं दोस्तों, रुक जाओ यहां पर तो फंस गया मैं, इसको ना यहां से निकाल करना बाहर खड़ा करते हैं और वहां पर देखते हैं क्या दोस्तों वहां पर भी ऐसी परफॉर्म करेगा या फिर नहीं। आ जाइए, तो ये वाला सिक्योरिटी गार्ड यहां पर आ चुका है, मैं ना बहुत दूर से आऊंगा और 200-250 की स्पीड पर ठोकूंगा इसे। चलो देखते हैं क्या होता है, अभी तो मैं हल्की स्पीड पर था ना वहां पर। चलिए मोड़ता हूँ, अगर भाई ये मतलब झेल लिया ना इसने तो सबसे तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड होगा यार ये अब तक का सबसे तगड़ा, इससे तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड फिर मैंने देखा भाई। चलो मैं जितनी कोशिश हो सकता है जमीन पर रहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। 3, 2, 1 भाई, मतलब भाई मेरा प्लेन ना इसके अंदर फंस चुका है भाई। भाई मुझे पीछे निकलना है दोस्तों, फंस गया भाई मेरा प्लेन, बहुत गंदे तरीके से फंस गया भाई साहब। शिट यार, निकल तेरी ऐसी की तैसी भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं मर रहा दोस्तों। मैंने आपने देखा दोस्तों, मतलब मैंने फाइटर जेट से यार इसको वहां पर हिलाने की कोशिश की यार, ये नहीं हिलता है दोस्तों, नहीं हिलता है। लेजर गन चलाकर देखो क्या एक बारी, इतनी पास से भाई ये मजे ले रहा है सिक्योरिटी गार्ड। ये देखो ये सिक्योरिटी गार्ड ना सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहा है, तेरी ऐसी की तैसी बहुत मारूंगा तुझे।
हमारे प्लेन पे देखो कितने निशान हो गए दोस्तों। देख रहे हो, और अगर मैं चाहूँ अपने प्लेन को ब्लास्ट हो सकता है क्या? ये बुलेट प्रूफ है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। ये हिलता है थोड़ा सा तो भाई आराम से। भाई साहब क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है दोस्तों ये। नाइस, थोड़ा सा इसका दिमाग हिलता है क्या? आई डोंट नो यार, मतलब बहुत तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ज्यादा तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। इससे तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड यार मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ ना एक बारी दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स कार्स लेकर आते हैं, स्पोर्ट्स कार्स से ना इसको ठोक कर देखते हैं, क्या पता भाई उससे ही यहाँ पर हिल जाए। अगर ये उससे भी नहीं हिला ना भाई, तो ये पूरे लॉस सैंटोस का ना भाई सबसे ज़्यादा तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड अब तुम्हारे भाई के पास होगा। बट यार एक ही है, और इसके जैसे पता नहीं बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, आई डोंट नो। ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड फिर भाई, मैं इसको जो रखूँगा अपना, अगर ये सिर्फ एक ही बन पाया तो। इल्यूमिनाटी 6.0 सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, जैसे GTA 6 आने वाली है ना वैसे ये है भाई, एकदम डेंजरस। चलो कुछ गाड़ियाँ मंगवाते हैं, गाड़ियों से ठोकर देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अब तू देखता जा 6.0, अगर आज तू पास हो गया ना तो सबसे ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होगी। तो कुछ कार्स आ चुकी है, लाइक जैसे कि सबसे पहले मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। बेस्ट कार्स हैं और ये जो फिलहाल आइलैंड के ऊपर अवेलेबल हैं। की टॉप स्पीड देखें, 300 तो आराम से भागेगी। अगर मैं इसको 400 की स्पीड से ठोकूंगा तो क्या हाल होगा उसका, देखकर ही पता चलेगा। अभी देखते हैं कितने की स्पीड से ठोकेगा दोस्तों, कमेंट करके बताना। और ये देखो, और मेरे हिसाब से 400 की स्पीड से ठोकने वाला हूँ मैं उसको। ओ भाई हिला नहीं भाई, ये गाड़ी फेल हो चुकी है, ये गाड़ी भाई बिल्कुल नहीं कर पाई कुछ भी। दूसरी गाड़ी को ट्राई करते हैं, एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं दोस्तों, इन कार से ट्राई करते हैं। शायद से दोस्तों ये कार यहां पर कुछ कर पाए। चल मेरी धन्नो, अगर भाई इन गाड़ियों ने दोस्तों यहां पर कुछ कर दिया ना तो भाई जादू की झप्पी चल जाएगी, वरना तो भाई एकदम खत्म ही है। चलो देखते हैं भाई, कोई गाड़ी कुछ नहीं कर पा रही है कोई गाड़ी। ये गाड़ी भी ऐसी है, टेस्ला ट्राई करते हैं। टेस्ला क्या पता टेस्ला कुछ करे। कितनी स्पीड है भाई टेस्ला की? चले दोस्तों टेस्ला चल रही है, टेस्ला भी एवरेज एवरेज ही लग रही है मेरे को जहां तक देखा जाए। अगर इसने मार दिया तो सही है, और अगर दूसरी गाड़ी को देखो, प्लेन को टक्कर मारूंगा, देखो प्लेन कितनी दूर जाकर गिरेगा। वो देखो प्लेन तो उड़ी गया मेरे ख्याल से, कहां गया वो, गिरा प्लेन आकर। ठीक है, और अगर मैं इस गाड़ी को टक्कर मारू ना, वो देखो कितनी दूर जाकर गिर रही है दोस्तों गाड़ी। इन दोनों गाड़ियों को टक्कर मारूं भाई, वो देखो कहां पर, और ये सिक्योरिटी गार्ड को हिला भी नहीं पा रही है भाई ये कार। भाई देखो सिक्योरिटी गार्ड ने ना रोक रखा है, एक लात से रोक रखी है भाई कार को। ओ भाई भाई क्या पावर है यार, सिक्योरिटी गार्ड ना एक लात से रोक रहा है भाई, सीधा खड़ा, क्या स्वैग है सिक्योरिटी गार्ड का। ये देखो तुम, गाड़ी की ना पूरी जान निकल गई दोस्तों, पर सिक्योरिटी गार्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, एक लात से रोक लेता है गाड़ी को तो वो। नाइस, ये फरारी भी कुछ नहीं कर पाएगी, ये गाड़ी चला कर देखता हूँ एक बारी क्या पर है ये कुछ करे। राइट दोस्तों, खैर वो बैटमैन वाली गाड़ी भी कुछ नहीं कर पाई, मैंने सोचा क्या दिखाऊं यार मैं आपको, ठीक है। एंड अब ये भाई डांस मोड पर है, यहाँ पर ये बिल्कुल चिल कर रहा है कि मुझे मार कर दिखाओ भाई। मैं दूसरे ट्रैक पर ले आया, मुझे लगा कभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो जो ना कर पाए। एंड यहाँ पर मेरे पास भाई दो तीन तरीके ये टैंक हैं,
ठीक है, दो तरीके के हैं बेसिकली, एक ही थोड़ा लग्जरी टाइप है, पहले इसको चला कर देखते हैं। अगर भाई इससे भी नहीं मराना तो भाई ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड होने वाला है। चलो मर गया क्या? ऑलराइट, गिर तो जाता है नीचे क्योंकि पावर बहुत है ना इसमें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये देखो मैंने पूरी पावर लगा रखी है, ये देखो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है भाई टैंक। नहीं, सामने वाले टैंक पे चढ़ने के लिए रेडी है भाई, भगाता हूं इसको। देख रहे दोस्तों कितनी तेज तक ये भाग सकता है। चले ठोकता हूं इसको, चल चल चल। अबे भाई मैं इससे इसको हिलाने कुछ कर... भाई इन्होंने तो टैंक को ही पलटा दिया। पास है यार ये टैंक्स वगैरह, कोई भी टैंक की सिक्योरिटी गार्ड का भाई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है कोई भी। खैर ये खुशी की बात भी है भाई, मतलब इस मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई मेरे खिलाफ ना यूज कर ले। रुक जाओ मैं इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये गिरेगा तो। ये गिर गया भाई, मैं इसके ऊपर चढ़ा ही नहीं पा रहा यार। ये देखो बस अगले वाले व्हीली काम कर रहे हैं। ओ भाई मैं इसको इससे हिलाऊं भाई, ये टैंक को हिला देगा भाई पूरे, ये टैंक को हिला देगा अगर मैं इस वाले टैंक से। देखो सामने वाले टैंक को डिस्ट्रॉय करके दिखाऊं आपको, सामने वाला तो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। आग लगने लगी है इसके अंदर, देखो ये 10-15 बार लगेगा ना इस पे क्योंकि बुलेट प्रूफ है ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा। बट गाइस यार हम इस सिक्योरिटी गार्ड का भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाए भाई, मेरे हिसाब से भाई ये वाला सिक्योरिटी गार्ड ना इल्यूमिनाटी 6.0 इज बेस्ट भाई। मुझे नहीं पता था कि मेरी इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट यार जो कर्नल मुझे अब तक सिक्योरिटी गार्ड्स बनाकर देता था कितने नल्ले सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लाइक इल्यूमिनाटी 3.0 5.0 भाई सब बकवास थे, सब के सब बकवास। असली सिक्योरिटी गार्ड तो भाई मुझे अब मिला है। आपका इस वाले सिक्योरिटी गार्ड के बारे में दोस्तों क्या कहना है, आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं, जो भी जितनी भी सारी की सारी बातें हैं ना प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं भी तो देखूं किस किस भाई को ये दोस्तों अच्छा लगा है किस किस भाई को नहीं। ठीक है बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी कर दो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर आपने तक नहीं किया तो। बाकी चलो मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज ही आपके जो कमेंट्स वगैरह थे अब उनको दोस्तों रीड वगैरह कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों चलिए अब आप सबके कमेंट्स वगैरह यहां पर रीड कर लेते हैं। मैंने कुछ अलग सेटअप यहां पर बना दिया, दिस एपिसोड इज वेरी इंटरेस्टिंग, लव फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद, नाइस एपिसोड, बेस्ट एपिसोड, और बिग फैन ब्रदर, और आरिश भाई यू मेक गुड वीडियोस फ्रॉम ऑल यूट्यूबर्स, दिस इज देयर इज नो वन लाइक यू, नाउ यू कैन बीट यू वीडियो कन बॉस को खत्म कर दो प्लीज, थैंक यू सो मच मेरे भाई। शारिक पॉप मेरे भाई लव यू, मेरे भाई लव यू, दिल से सपोर्ट है, नेक्स्ट नाइस वीडियो, ओपी एपिसोड, लव यू, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया बेसिकली। आरिश भाई आप बोर बहुत करते हो, बोर बहुत करते हो बहुत, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मज़ेदार बातें भी कर लिया करो जैसे। अच्छा
भाई साहब इतनी तो मैं मज़ेदार बातें करता हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं, जॉन के शोरूम पर वो कर लो। नाइस वीडियो ब्रदर, आयुष भाई इज लेजेंड, लव फ्रॉम नेपाल, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट जीटी कंटेंट मेकर एवर। कौन कौन आयुष भाई को दिल से सपोर्ट करता है? इल्यूमिनेटी सिक्योरिटी गार्ड 20.0 भाई, 6.0 किस किस को चलाओ कॉमेंट करके बताओ। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिग फैन आयुष भाई, आयुष भाई 2.5 घंटे का एपिसोड बनाने के लिए बोल रहे भाई, कूल वीडियो, नाइस वीडियो या भाई लाइक, अच्छा मैं आयुष भाई भी लाइक, अच्छा मैं अंधा हुआ, नाइस अमेजिंग क्रेजी मोमेंट भाई, थैंक यू सो मच भाई इतने सारे दिल देने के लिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लव फ्रॉम पाकिस्तान, हाय ब्रदर, दिल से सपोर्ट, आयुष भाई इतनी मेहनत करते हो उसके लिए दिल से सपोर्ट, थैंक यू, बिग फैन, बिग फैन, लव यू भाई, थैंक यू भाई, लव यू टू, लव यू भाई। आयुष भाई, तनिष सिंह, ओपी वीडियो, वंडरफुल वीडियो, आयुष भाई गुड। लव फ्रॉम पुणे, लव यू टू मेरे भाई, नाइस वीडियो, नाइस वीडियो, नाइस वीडियो, बेस्ट एपिसोड, लव यू ब्रो, लव यू ब्रो, सो नाइस वीडियो। फ्रॉम लव फ्रॉम गोवा, इट्स आकाश, लव यू टू मेरे भाई, वेरी भाई, अरे भाई वेरी नाइस वीडियो, डगन बॉस को मर गया भाई, लव फ्रॉम महाराष्ट्र इज बेस्ट, आयुष भाई इज बेस्ट, नाइस कार ब्रो, बिग फैन, यू आर द बेस्ट यूट्यूबर ऑफ GTA 5, लव यू भाई, थैंक यू ब्रो, मैं आपको ऑलमोस्ट 5 ईयर से देख रहा हूँ लेकिन मज़ा वही वाला आता है, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच ब्रो, प्रेजिडेंट बन जाओ, मैसिव कार कलेक्शन वाओ, यस ब्रो जरूर बनाएंगे, बिग फैन, लव फ्रॉम नेपाल, आई लव यू ब्रो, आयुष भाई को दिल से सपोर्ट है भाई, आप सबसे बड़े यूट्यूबर बनोगे, किंग स्टूडियो लव यू, और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि हम भी कुछ करेंगे भाई, और यहाँ पर इतने सारे दिल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ऐसे ही वीडियो बनाते रहो, रोबोटिक आर्मी बनाओ। आज तुमने देखा मतलब इल्यूमिनेटी 6.0 आप सब लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए। देखो सबके जितने भी कॉमेंट्स हैं ना, अब सबके सब अच्छे से स्क्रीन पर आएंगे, आप सब लोग देखते रहो। आज तो इतने डगन बॉस को पूरा सिस्टम मिल जाएगा, यू GTA किंग, सो बेस्ट वीडियो, इंडियन माफिया को बुलाओ, बुलाएंगे आयुष भाई, आप उन डायमंड से बिग माफिया की टनल में सिक्योरिटी गार्ड्स बनवा लो। अरे सक्षम भाई तुम ये बताओ 6.0 इल्यूमिनेटी कैसा लगा तुम्हें? माइकल इज वन मैन आर्मी है भाई, किंग ऑफ लॉस सैंटोस माइकल, सुपर भाई, मैंने सुना है आपसे अच्छे GTA 5 की वीडियोज़ कोई नहीं बना सकता और ये सच है, इसलिए आपको वीडियोज़ रोज़ देखता हूँ, लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, मज़ा आ गया भाई वीडियो देख के। ओपी भाई, आयुष भाई आप एक खतरनाक आर्मी बनाओ, बनाएंगे आयुष भाई, डगन बॉस से पूछ लो माफिया आइसलैंड पर हैदराबाद, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच भाई, आपका वीडियो ब्लैक पैंथर कार अपने स्टार्क मेंशन में लेकर जाओ। मैं सोच रहा हूँ ना कल को अपना कार कलेक्शन थोड़ा सही करूँ, अभी सारी गाड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, ठीक है ना, वो भी करेंगे। लव फ्रॉम पाकिस्तान, मेरा कमेंट ट्रीट नहीं करते आयुष भाई, आमिर अली में सबके कमेंट ट्रीट का 5.0 से 100.0 व्लॉग वीडियो में आइसलैंड दिखा, ठीक है भाई कर लेंगे। आज भाई होटल में लाइटनिंग सिस्टम करो, ठीक है करेंगे। आई लव यू ब्रो, नाइस वीडियो ब्रो, आई एम बिग फैन, माइकल इल्यूमिनेटेड डिस्ट्रॉय डगन लाइफ, नाइस वीडियो, जॉन के शोरूम से रोल्स रॉयस लिमोजिन दे, ठीक है आई एम बिग फैन। श्याम भाई यहाँ पर चल रहे, केजी भाई जॉन के शोरूम में रोल्स रॉयस लिमोजिन दें, ठीक है भाई कर लेंगे, चलो ऐसा। भाई साहब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट्स देख रहे हो किस तरीके से चल रहे हैं, और जितने भी मेरे भाइयों के कमेंट है ना सबके कमेंट्स मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यहाँ पर समीर गौर हमारे भाई हैं, लव यू मेरे भाई, आज भाई डगन बॉस से सब कुछ लेके तुम उसको मार दो। हाँ खैर मुझे ना थोड़ा सा तरस आ जाता है, वो थोड़ा बुढ़ा है, बुजुर्ग टाइप का है, तो मेरा ज़्यादा उसको ना मारने का मन नहीं करता, वरना अगर कोई होता ना ऐसा खतरनाक वाला उसको मैं बहुत मारता भाई। वहाँ पर जहाँ बुक्स रखी हैं, अच्छा पर सीक्रेट डोर है स्लाइड वाला, अच्छा सच में यार गाइज मेरे को याद ही नहीं था, अब की बार देखेंगे। चलो भाई इतने अच्छे यूट्यूबर हो, रेगुलर वीडियो लाते हो, बहुत अच्छे, अल्लाह आपके जैसे यूट्यूबर सबको बनाए बना दे। और भाई का हाल इजी, कितनी अच्छे आपके पास कितनी इजी, थैंक यू सो मच अब्दुल सलाम खान मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। और यहाँ पर सब चल रहे समीर गोरोपी एपिसोड, आयुष भाई आप अपना नया आइलैंड के लिए सिक्योरिटी जल्दी बनाओ भाई, आज बन गई सिक्योरिटी। रोशन भाई कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। लव फ्रॉम नेपाल एंड बाय वन BMW, ठीक है भाई कर लेंगे। आज भाई इतना बड़े वाले डायमंड्स को बेच कर इतने बस इल्यूमिनेटी 5.0 प्लेन परचेज कर लो, प्लस जो पैसा बचेगा बिग माफी के टर्न वाला। सक्षम भाई उससे भी बेस्ट बनाया है मैंने, वो हिलता ही नहीं है यार, उसको कोई हिला ही नहीं सकता है 6.0 को। गुड गुड गुड, इंटरेस्टिंग आरिश भाई, सब कैरेक्टर्स की आवाज़ भाई वो मुश्किल है। डगन बॉस की सारी प्रॉपर्टी ले लो क्योंकि कभी भी मर सकता है, अरे मर तो सकता है डगन बॉस कभी भी, उसके मरने के बाद कौन ही है यार। ब्रो प्लीज़ टेक्नो गेमर्स वाली बुगाटी बोल्ड लैम्बोर्गिनी सियान फरारी टेक्नो गेमर्स ले लो, ठीक है एक ही गेमर भाई, थैंक यू।
और हमारे वैभव भाई का कमेंट आ चुका है, इतना बड़ा कमेंट है, पूरी स्क्रीन पर वैभव भाई का आएगा। चलो पढ़ते हैं। भाई झकास वीडियो थी, खुश हो जाता हूँ आपकी वीडियो देखकर। भाई मेरा फेवरेट पार्ट होता जब आप बाइक की टेस्टिंग कर रहे थे। भाई बुगाटी एल्वोरन परचेज कर लो भाई, उसके अंदर मैं दुआ करता हूँ कि आपकी तरक्की दिन दुगनी और रात चुगनी हो। भाई सॉरी मैंने इतने दिन कमेंट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अरे भाई वैभव भाई मेरे, लव यू। और भाई अपनी तबीयत का ख्याल रखो, दवाई टाइम टू टाइम लो। अगर तुम्हें बुखार हुआ होगा तो भाई ज़्यादा बाहर का मत खाना, खिचड़ी खाओ। चलो ठीक है मेरे भाई, लव यू। हेलो भाई, भाई अपने बिग माफिया के बारे में पता है, डगन बॉस के बारे में पूछो। यार मैंने लेस्टर के बारे में भी नहीं पूछा, मैंने डगन बॉस से आज फिर मैं भूल गया, कल ज़रूर करेंगे। आयुष भाई आप कितने हमारे लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते, दिल से सपोर्ट है, आपको सारी ख्वाहिशें पूरी करिए। टेक्निकल पॉइंट पावर, थैंक यू सो मच। अब्दुल सलाम खान मेरे भाई, थैंक यू ब्रो। लैम्बोर्गिनी यूरस रोल्स रॉयस परचेज कर लो, ठीक है भाई। लिमोजिन रॉकेट माइकल के लेस्टर टू लो, वन एक चाइनीज माफिया को दो, ठीक है भाई। आरिश भाई लव यू, लव यू टू मेरे भाई। यस भाई माइकल द इल्यूमिनाटी। समीर गौर भाई आज की वीडियो दे, वीडियो खतरनाक है। हाँ भाई, भाई डगन बॉस के बड़े टकले टूट गया। हाँ भाई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भाई, प्लीज़ प्रेजिडेंट बन जल्दी बनेंगे। आरिश भाई जैसे पहले फ्रैंकलिन की सीरीज में बाहर से यहाँ पर लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज़्यादा था भाई, माइकल की खौफ फैल गया था लिबर्टी सिटी के अंदर भी अपना खौफ जमा दो। वैसे अब्दुल सलाम खान मेरे भाई तुमने ये बात सही कह रहे हो, मैं लिबर्टी सिटी पर ना अभी मैंने इतना गौर नहीं फरमाया, बट मैं करूँगा बहुत जल्दी, लिबर्टी सिटी के ऊपर भी मैं जाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। यहाँ पर IZF भाई है, LC का रिकॉर्ड टूटेगा। LC भाई LC का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, एक खतरनाक बंदा है LC लॉन्डे ने, खतरनाक रिकॉर्ड बना रखा है। प्लीज़ इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी भाई करो, ठीक है भाई कर लेंगे। भाई मोहित भाई का रोस्ट करो प्लीज़। नहीं भाई समीर गौर मेरे भाई, मैं किसी का रोस्ट नहीं करता हूँ भाई, वो हर कोई बंदा यहाँ पर अपनी मेहनत कर रहा है तो वो करो। 6.0 आइलैंड पर बनाओ, हाँ यही बोलना चाह रहे हो, मुझे पता है वो मिस्टेक हो गई होगी। चलो भाई आप स्पीडोमीटर चेंज करो, कर लेंगे आप पाकिस्तान। आज भाई होंडा 125 लो ब्रो प्लीज़, ठीक है भाई ले लेंगे। अवेज भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूर लेंगे, हमारे अवेज भाई का प्यार देखिए आप। इल्यूमिनाटी शेयर एक्सप्लोर करो, शेयर्स कर लेंगे भाई। एक जैगुआर का कॉन्सेप्ट कार लो, उसको भी खरीद लेना, ठीक है। अगर कहीं पर जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि फाइट होगी, पहले से अपनी सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाकर, ठीक है सक्षम भाई ऐसे करेंगे। आयुष भाई मार्टिन मद्रासो के घर में एक बुक शेल्फ है, उसके पीछे एक सीक्रेट डोर है, वहाँ सब पैसा है। अच्छा बुक शेल्फ के पीछे, कल वाले एपिसोड में वहीं पर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि आप बुक शेल्फ के पीछे वाकई में कुछ है। ये तो भाई आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है भाई, अपने जानबूझकर रेड सिक्योरिटी से मंगा क्यों लिया भाई? भाई मैंने जानबूझकर इसलिए लिया क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे थे और अगर वो वहाँ पर खड़े रहते हो तो मुझे मार देते, अंदर जाने न देते, इसलिए मैंने पंगा ले लिया। आई बार डगन बॉस के बिग माफिया होटल पर कब्जा कर लो भाई, हो गया कब्जा तो अपना है वो। आरएस भाई वाइट डायमंड कसिनो को डगन बॉस का है, वाइट डायमंड कसिनो डगन बॉस का है। अच्छा जी आप डायमंड कसिनो का 11.5.0, ठीक है। निंजा S2R खरीद लो भाई प्लीज़, पर्सनल और हायाबुसा, ठीक है। आरिश भाई दिल से सपोर्ट, डगन बॉस को मार दो, कितना तड़पाओगे उसे, किल द डगन बॉस, ठीक है। आरिश भाई डगन बॉस को एक नॉर्थ यंगटन पे विला है बहुत बड़ा और सब पैसा उसका भाई है पर है। अच्छा किंग स्टूडियो भाई मुझे ये बात पता नहीं थी, चलो देखेंगे इस बात भी। भाई मार्टिन मद्रासो के बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम है, बुक शेल्फ के पीछे। भैया आप करिए कि बहुत मॉडिफाइड इसमें गणेश किंगंस और रॉकेट करिए, ठीक है भाई। एलएस मोटर्स की बुगाटी वोल्ट को पर्सनल कार बना लो, चलो कर लेंगे ऐसा भी। भाई आप फॉर्च्यूनर ले लो, ले लेंगे भाई। आरिश भाई आप स्टार्क मेंशन की गाड़ी अपने आइसलैंड पर ले जाओ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना सारी की सारी कार्स अपनी अपने आइसलैंड पर ले जाके रख लूँगा, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते? पर वहाँ पर ले जाकर रखूँगा भी कहाँ, मुझे चलाने के लिए तो फिर मिले ही नहीं, कि उसको फिर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। भाई मेरा नाम सुंदराम है, सुंदर राम है। अरे भाई सुंदर राम भाई कैसे हो मेरे भाई, बढ़िया भाई सुंदर राम भाई ने, देखो यहाँ पर कितना कुछ है भाई। विंटेज कार को गोल्ड में करवा लो, अच्छी लगेगी। अरे वो तो हम विंटेज कार जो गोल्ड वाली है ना एल रूबियो के आइलैंड से चोरी कर लाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो भाई। प्लीज़ इलिमिनेट 6.0 लो प्लीज़, पिन माई कमेंट भाई। माइकल बेंस ले लो, काया पेरिको पे कब्जा कर लो, काया पेरिको पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, टाइम लगेगा उसके लिए। किल डगन बॉस, यह आया खतरनाक सा कमेंट है मेरे को लगता है। चलो
आरिश भाई, कोई बड़े बड़े माफियाओं के साथ मिल जाओ, ऑल लिबर्टी सिटी पर कब्जा करें, खतरनाक तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करें, वहाँ पर खौफ फैलाएं बेसिकली, एंड आप जैसे लॉस सैंटोस पर कब्जा कर रहे हो वैसे ही कब्जा करें, और वहाँ पर जिमी को डॉन बना देना कि भारी है, एंड उसको मोटे को अकेला देखकर भेजना या खुद वहाँ पर राज करना, दोनों तरफ से आना जाना ज़रूर रहना, एंड इस जगह के हालात ख़राब कर लो भाई, ऐसा नहीं करना है आसिफ भाई, खतरनाक आदमी बनाएंगे, नए हेलीकॉप्टर आर्मी वाइट गैंग खतरनाक करवाओ, एंड रेड गैंग के दूसरे बंदे को कलर एंड रेड कलर मार्क्स जोकर वाला मार्क्स, आयुष भाई अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी कुछ कुछ अपने काम करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खतरनाक आयुष भाई, आपको दिल से सलाम है, आपकी मेहनत भी भाई दिल से सलाम है, रेगुलर वीडियो लाते हो भाई, 8 से 10 घंटे की मेहनत करके परेशान बिना परेशान हुए लाते हो, बिना कुछ हुए मेरे भाई, वेलकम कंप्लीट मैं आज के वीडियो में दिल से सलाम है, बहुत प्यार, अल्लाह ताला आपको सारी एक के बाद एक दिन के में बड़े यूट्यूबर्स बन जाए, इनसे सोचो टेक्नो गेमर से भी देखते रह जाएंगे, जिस दिन बड़े नीचे यूट्यूबर बनेंगे ऊपर अपने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, अगर डायमंड से आए किसी ने माफिया ज़रूर हमला करेंगे, और कोई बंदा रखने के लिए फैमिलीज़ को उन रखते हैं माफियाओं से, बंदों से दूसरे ज़रूर फैमिलीज़ को अपने अपने फोर्स को ज़्यादा तंगड़ा करें और सिटी के अंदर अपनी पावर्स बनाएं खतरनाक वाली, ठीक है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा वो करें आरिश भाई, आपको एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनाकर रहेंगे, किसी अपने सपने से नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करता हूँ, अब्दुल सलाम खान मेरे भाई थैंक यू सो मच, इस कमेंट को तो भाई पिन हो गए वाला कमेंट, तो ठीक है भाई मैं आपका कमेंट पिन कर रहा हूँ, एंड लव यू मेरे भाई अब्दुल सलाम खान मेरे भाई लव यू, और डॉज चैलेंजर भाई तुम परचेज करो भाई, इस टाइप के कमेंट्स क्या करो ना भाई, अब डगन बॉस से कोई बेस पे रखो, क्योंकि बिग माफिया को रखा था उसको पता होगा अटैक कर सकता है, एंड बोलता हो बड़ा कमेंट करें, हाँ भाई ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है भाई, यास्मीन शेख मेरे भाई बिल्कुल सही ये बात कही आपने, बिल्कुल सही भाई, उसको पता है कभी वो यहाँ के भाई पुंगी बजाते, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, भाई आप डगन बॉस को सारा पैसा ले लो, एल रुपये को बोलो ठीक है भाई, ओपी 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 ठीक है, डगन बॉस को जान से मार दो, जान से इतनी जल्दी मार देंगे तो भाई तड़पाने का मज़ा क्या आएगा, BMW i8 परचेज करो, एनिमेटेड BMW i8 एनिमेटेड BMW i8 मेरे शोरूम पर मैंने मंगवाई थी लिबर्टी सिटी से, बट फिलहाल अभी है नहीं, जल्दी मंगवा लेंगे, रोहन अग्रवाल हे प्रेजेंट बन जाओ भाई, ठीक है भाई बन जाएंगे भाई, थार को रेडलाइन शोरूम में लगाओ, अरे रेडलाइन शोरूम के लिए ना कल वाले वीडियो में ना इंडियन गाड़ियाँ आ रही हैं ठीक है, तो कौन कौन सी इंडियन कार आ रही है ना कल देखना आप, के समीर गौर भाई यहाँ पर है, रब्बा गेमिंग और गॉड वाइटे, रोहन अग्रवाल भाई यहाँ पर चल रहे हैं, और यहाँ पर कमेंट्स तो देखो भाई साहब कितने सारे भाई लोगों ने यहाँ पर कर रखे हैं ठीक है, और यहाँ पर सुंदराम भाई ने भी बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं भाई, सुंदराम भाई तो रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे यहाँ पर, एलसी लोंडे का उस्मान खान आज उस्मान खान भाई छाए हुए हैं आज, मुझे ऐसा लगता है एलसी लोंडे का एक भी कमेंट नहीं आया, लगता है आज भाई वो बिजी होगा शायद से, और यहाँ पर बवाल गेमर अमान एम खलीफा समीर गौर भाई यहाँ पर चल रहे हैं, अमान एम खलीफा भाई साहब खलीफा ही है ना, अमान एम खलीफा भाई, रोहन अग्रवाल भाई साहब, एलसी लोंडा भाई है, मैं सोचा मैंने कहा आज भाई यार तू मायने एलसी लोंडा है भाई, देखो यहाँ पर एलसी लोंडा भी है, समीर गौर भी है हमारे भाई, एलसी लोंडा भाई साहब, एलसी लोंडा तो भाई खतरनाक ही चलता है अपनी फुल फॉर्म में, ये देखो भाई पूरी स्क्रीन बढ़ना तो मैं एलसी लोंडा ही दिखेगा, ये देखो अच्छा भाई आप एक चीज़ भूल रहे हो, जब आपने उस लड़की को पकड़ा था गैरेज में, वहाँ पर एक टनल थी, वहाँ पे बिग डायमंड थे याद करो, अरे वो तो मैं निकाल कर ले आया मेरे भाई, ठाकुर गेमिंग पूरे वीडियो को तो देखा करो, मैं वहाँ से वो डायमंड्स निकाल कर ले आया था, एलसी लोंडा भाई डायमंड्स को बेच कर आपके
आपका बेस बड़ा करो, ठीक है कर लेंगे भाई। एलसी लौंडा चल रहा भाई साहब, खतरनाक एलसी लौंडा ही एलसी लौंडा छाया पड़ा भाई साहब। एम खलीफा रोहन अग्रवाल भाई हैं, रोहन अग्रवाल भाई भी भाई पूरी फॉर्म में चल रहा भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई रोहन अग्रवाल भाई चल रहे भाई। छोरा भाई मैंने कुछ रहना था, 8 वीडियोस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुगाटी अल्टरनेटिव खरीद लो, मॉडिफाइड कराओ, ठीक है भाई सपना पूरा हो जाएगा भाई। चलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, आपकी ये वाली गाड़ी भी ज़रूर लेकर आएंगे, तुम पूरे लॉस सैंटोस ले लो। लॉस सैंटोस भैया सरकार का है, मेरा थोड़ी ना है भाई। RSBN रोज कुमार, चलो भाई नाइस, सबके सबके कमेंट्स दोस्तों यहाँ पर रीड हो चुके हैं। एंड आई होप के भाई आज का वीडियो आपको टोटली अच्छा लगा होगा। एंड यार यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी चलो यार गाइस, अब मैं मिलूँगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सब यहाँ पर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।